दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का फैक्टिशियन आर्यन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों कुदरत की बनाई ये दुनिया जितनी खूबसूरत है उतनी ही रहस्यमय और रोचक भी है। आपने इस दुनिया से जुड़े कई ऐसे रोचक तथ्यों के बारे में सुना होगा जो लोगों को हैरान कर देते हैं। इसी कड़ी में आज हम आपको कई ऐसे ही रोचक तथ्यों के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे जानने के बाद शायद आप उस पर यकीन करने से पहले कई बार सोचेंगे। आज की वीडियो में मैं यानी आपका दोस्त आर्यन आपको इससे जुड़ी सारी जानकारी देने वाला हूँ। बस मेरे साथ वीडियो के बिल्कुल अंत तक ऐसे ही बने रहिए। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। इस वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों जब कभी समुद्र तट की बात करते हैं तो दिमाग में खूबसूरत बीचेस की छवि बनती है, लेकिन दुनिया में एक ऐसी जगह भी है जहां अटलांटिक महासागर नामीबिया के वेस्ट कोस्ट रेगिस्तान से मिलता है। एक जगह पर रेगिस्तान, पहाड़ और समुद्र होने के कारण यहां की खूबसूरती बिल्कुल अलग है। रेगिस्तान के किनारों पर समुद्र का अटलांटिक महासागर का पानी लहरें मारता दिखता है। कोस्टल डेजर्ट को नामिब सैंड सी भी कहते हैं। यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया है। इसके उत्तर में क्यूनेन नदी और दक्षिण में ऑरेंज नदी भी है। दुनिया का सबसे पुराना रेगिस्तान होने के कारण भी ये प्रसिद्ध है। ये रेगिस्तान 5.5 करोड़ साल से भी ज्यादा पुराना है। इसके सैंड ड्यून्स, रेत के टीले पूरी दुनिया में सबसे बड़े हैं। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत के महाराष्ट्र राज्य का राजकीय पक्षी हरियल एक ऐसा पक्षी है जो अपना पैर कभी धरती पर नहीं रखता है। इन पक्षियों को ऊंचे ऊंचे पेड़ वाले जंगल पसंद है। यह अक्सर अपना घोंसला पीपल और बरगद के पेड़ पर बनाते हैं। अधिकतर हरियल पक्षी झुंड में ही पाए जाते हैं। मराठी में इसे हरोली या हरियाल कहते हैं। इसे ऊपरी असम में हैथा और निचले असम में हैतोल के नाम से जाना जाता है। प्रजाति फल पर फीड करती है जिसमें फिकस की कई प्रजातियां शामिल हैं। वे झुंड में चारा बनाते हैं। सुबह सुबह वे घने जंगल क्षेत्रों में उगे पेड़ों की चोटी पर अक्सर धूप में निकलते देखे जाते हैं। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों पूरे विश्व में पीने के पानी की किल्लत से तो हम सब वाकिफ हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसा देश है जहां सबसे ज्यादा पीने लायक पानी है? उस देश का नाम है ब्राजील। ब्राजील में नवीकरणीय जल संसाधनों रिन्यूएबल वाटर रिसोर्सेज की उच्चतम मात्रा है जो कुल 8,233 घन किलोमीटर है। मेरे कहने का मतलब है कि फ्रेश पानी तो आपको बहुत जगह मिल जाएंगे, लेकिन ब्राजील में सबसे ज्यादा पीने लायक पानी है, जैसा कि आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।